साथियों यहाँ पे माँ दक्षिण काली आ रखी है स्वर्ग द्वार पे। यहाँ पे स्वर्ग द्वार पे स्नान कराने के बाद पूजन होगा। सुबह से चूँकि बारिश नहीं रुक रही है और ये सोचा था कि हो सकता है बारिश रुक जाए तो कुछ देरी के बाद चलेंगे, फिर बारिश नहीं रुकी तो ऐसे ही सब गवाना पड़ा। इस कड़ाके की ठंड में हम कह सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं माँ के साथ में और वो भी नंगे पैर। साथियों देख लीजिए यहाँ पे केदारनाथ के ठीक पीछे करीब 150 मीटर की दूरी पर देख लीजिए बहुत ज़बरदस्त खनन हो रहा है जो कि यहाँ के वातावरण के लिए सही नहीं है। ये तो सुंदर सुहाना मौसम, ये सामने देख लीजिए मधुगंगा काफ़ी उफान पर आजकल है और जगह जगह देख लीजिए आजकल धाराएं निकल रही हैं। जय माता दी। तारीख को हमारी जो ये माँ दक्षिण काली की देवरा यात्रा प्रारंभ हुई थी बजरंग बली जी के साथ साथ, तत्पश्चात यहाँ से हम जो यहाँ के पूरे क्षेत्रपाल जो यहाँ के पूरे रक्षक हैं केदारनाथ के भगवान भैरवनाथ जी के दर्शन हेतु माँ दक्षिण काली की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी और भैरवनाथ जी की और ये यात्रा समस्त क्षेत्र के उत्थान के लिए सुख समृद्धि के लिए रखी गई है और यही हमारी कामना है कि सभी लोग खुश रहें, कुशल रहें, सुख समृद्ध रहें। जय माता दी। अभी जो माँ दक्षिण काली की डोली है वो स्वर्ग द्वार से स्नान करने के पश्चात जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं भुगुन भैरव वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देख लीजिए इस कड़ाके की ठंड में और लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद भी सभी देवरी चल रहे हैं माँ के साथ में और वीर बजरंग के साथ में है। ये जो देवरा यात्रा है लगभग 100 सालों के बाद केदारनाथ के लिए आई है माँ दक्षिण काली की। सुंदर जो है माँ की डोरी लग रही है, सज रही है। यदि मौसम अच्छा होता है तो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य होता है क्योंकि उनके पीछे हिमालय, हिमालय जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है किंतु इसके आगे जो है समय बादलों से पूरा घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस समय बाबा केदारनाथ धाम का देख सकते हैं। हालांकि बारिश ज़रूर हो रही है फिर भी आप देख सकते हैं सामने बाबा केदारनाथ का मंदिर है और इधर है माँ दक्षिण काली जा रही है भुगुंड भैरव के दर्शनों के लिए। दोस्तों पहली में मेरा ननिहाल है और ये कुलदेवी मेरे ननिहाल की कुलदेवी है अर्थात मेरी इष्ट देवी हो गई। और एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए बाबा केदारपुरी का, देख लीजिए कितना सुंदर है। इस समय हम हैं भुगुंड भैरव मंदिर के पास में, देख लीजिए डोली जो है पहुंच चुकी है और पूरे दीवारी देख लीजिए लंबी कतार है। तो वैसे ही माँ के साथ चल रहे हैं। और यह सामने भुगुंड भैरव का मंदिर, यहाँ के क्षेत्र रक्षक जो है क्षेत्रपाल जो है और अब पहुँच चुकी है माँ दक्षिण काली की डोली भैरव नाथ मंदिर। दर्शन सामने भुगुंड भैरव ठीक यहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं केदारनाथ के पुरी के जो क्षेत्रपाल हैं भुगुंड भैरव अभी हम हैं
वैकुंठ भैरव के मंदिर में, और दर्शन के पश्चात आपको दिखा दूं मैं यहाँ से केदारपुरी का नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ से समय जल धाराएँ हैं। साथ ही जो ये नदियाँ हैं आप देख सकते हैं, इधर से सरस्वती नदी है और इधर आप देखेंगे दूध गंगा बोल करके है, और उधर मधु गंगा स्वर्ग द्वारी। यहाँ पे जो पांच नदियाँ हैं, पांच ही नदियाँ इस समय काफ़ी उफान पे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं ये मंदाकिनी जो है मिल करके यहाँ पे संगम है, यही पर लेकर कुल देवी को लेकर आ रखे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, और इस बारिश के मौसम में बहुत ही आनंदित और बहुत ही सुखमय अनुभूति हो रही है हमको कि हम आज माता रानी के दर्शन कैलाश पर्वत पर आ रखे हैं। शिव शंकर के साथ शिव शक्ति का मिलन हो रहा है और यही आज यहाँ दिव्य शक्तियों का मिलन है, इसलिए इतनी तेज बारिश हो रही है।
जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे, काली की जो डोली है वो यहाँ से विदा हो रही है। पूरे दिवाली सब यहाँ पे ग्रुप फोटो ले रहे हैं, जैसे माँ दक्षिण काली सोचा सर जो जितने भी नियोजन निशान है माँ दक्षिण काली से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, यही माँ दक्षिण काली से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना क्या लगे अपनों का क्या लगे। जय बाबा केदारनाथ, जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय माता दी, सबकी मनोकामना पूर्ण है।